नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर में किए जाने वाले मोगरा के पौधे पे कुछ जरूरी काम, जिससे कि हमारे पौधे में फूल अच्छी मात्रा में आए और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। तो आप जैसा देख सकते हैं मेरे पौधे में काफ़ी अच्छी मात्रा में, आप देख सकते हैं ये जो फ्लावरिंग बड्स हैं निकल के आ रहे हैं। तो कैसे इसकी केयर करनी है, प्रूनिंग कब करनी है और प्रूनिंग के बाद आपको कौन सी कंपोस्ट देनी है, और इस समय जब ये फ्लावरिंग बड्स निकल आए हैं तो इसको कौन सी कंपोस्ट देनी है, साथ में इसमें कोई इंसेक्ट्स लग रहे हैं, कोई बीमारी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे उसे आप बचाना है उस बीमारी से, उस इंसेक्ट से, पूरी जानकारी देंगे वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये गर्मियाँ स्टार्ट होने के बाद से लगातार फ्लावरिंग में है हमारा पौधा। इसकी पुरानी वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो ये लगातार फ्लावरिंग स्टेज पे है। तो एक बार फ्लावरिंग करने के बाद जब इसकी फ्लावर्स बड्स गिर जाती हैं, रिमूव होते हैं, तो आपको उस समय इसकी प्रूनिंग करनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये बेलनुमा पौधा होता है, क्रीपर टाइप का, ये फैलता जाएगा और फिर उतनी अच्छी मात्रा में आपको फ्लावर्स इस गमले में नहीं मिलेंगे। तो जो सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि एक बार फ्लावर आगे ड्रॉप होने के बाद आप इसकी प्रूनिंग कीजिए। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, मैंने ढेर सारी सभी ब्रांचेस की मैंने इसकी प्रूनिंग की हुई है और प्रूनिंग करने के बाद ढेर सारे नए नए शूट्स निकले और उन शूट्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। अब बात आती है कि प्रूनिंग करने के बाद आपको इसमें कंपोस्ट कौन सी देनी है। तो जब आप पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उस समय देखिए मैं DAP के कुछ ग्रैनुअल्स हैं जिन्हें यूज करता हूं, और इसमें DAP यूज करने में जो सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है वो आपको गमले के हिसाब से DAP यूज करनी है। उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना वो पौधे को नुकसान पहुंचा देगा। तो ये 12 इंच का पॉट है जिसमें कि ये पौधा लगा हुआ है और इस पॉट के लिए आप 8 से 10 ग्रैनुअल्स DAP के सफिशियंट है, महीने में एक बार देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। DAP जो पौधे की ग्रोथ को फास्ट करता है, जब पौधे में एक बार ग्रोथ आ जाएगी और ग्रोथ आने के बाद फ्लावरिंग बड्स आने लगते हैं तो उस समय जो आपको देना है फर्टिलाइज़र वो मैं बताऊं, आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, बोन मील या फिर पोटास, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों वो आप दे सकते हैं। बोन मील की बजाय अगर आप चाहें तो बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको 15 दिन में एक बार ही देना है ऐसी फ्लावरिंग बड्स के आने के बाद, अगर आने स्टार्ट हो जाती है तब। अब दोस्तों कई बार ये समस्या होती है कि हमारे पौधे की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी होती है पर उसमें फ्लावरिंग बड्स फूल कलियां नहीं बन रही होती हैं, तो उसके पीछे का दो मेन रीजन्स होते हैं। पहला, आपके पौधे को धूप की कमी, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए मोगरा को तभी इसमें फूल बनेंगे, और दूसरा ओवर वाटरिंग का होना। चूँकि अभी बारिश का मौसम है तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी गमलों में जाता है, तो ये देखिए ये मैंने 2 दिन से वाटरिंग नहीं की है बारिश के चक्कर में और गमले की मिट्टी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो रखी है। तो जो दो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं बारिश में कि हम बारिश के भरोसे पर रह जाते हैं और बारिश नहीं होती है तो पौधा जो है सिकुड़ने लगता है, उसकी जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाती है, तो ये आपको देखना है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि तो जब बारिश में पानी लगते लगते मिट्टी हार्ड हो जाती है ऊपर की सतह, तो उसकी गुड़ाई करनी आपको बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ाई करके उसमें आप टाइम से कोकोपीट या सैंड या राइस हस्क जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो उसे मिला दीजिए, थोड़ा सा वुड ऐश मिला दीजिए उसमें जिससे कि कोई फंगस ना लगे। अगर आप वुड ऐश नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें साफ का फंगीसाइड पाउडर या जो भी कोई भी फंगीसाइड पाउडर आपके पास है उसे मिला लीजिए, तो इससे आपकी मिट्टी में पौधे की रूट में कोई फंगस नहीं लगेगा तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों इसमें कंपोस्टिंग करनी कैसे होती है, देखिए आपको साइड साइड की मिट्टी हटा लेनी है। मैं आपको दिखाऊँ, इधर देखिए रूट्स काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो वाइट रूट्स होती हैं इसका मतलब है कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। तो आपको साइड साइड की मिट्टी को थोड़ा रिमूव कर लेना है, ये रूट ज़्यादा डैमेज नहीं करना है आपको, ये फीडर रूट्स होती हैं। इस प्रकार से देखिए हमने साइड साइड की मिट्टी को रिमूव कर लिया, और जो भी फर्टिलाइज़र हमें देना है पौधे की स्टेम के पास नहीं देते हैं हम, पौधे की स्टेम से थोड़ा दूर पर देते हैं, तो इस प्रकार से हमने बना लिया है। और हम देंगे इसमें बोन मील और
जो वर्मी कंपोस्ट है उसका मिक्स करके इस पौधे में देंगे अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये बोन मील है और साथ में हम इसमें मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए ये नीम खली मिली हुई वर्मी कंपोस्ट है और ये काफ़ी अच्छी फंगिसाइड का भी काम करेगी हमारे पौधे में। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और बोन मील जो है, आप सभी को पता होगा अगर गार्डनिंग में गार्डनिंग करते हैं तो, बहुत ही उपयोगी होता है पौधे की फल और फूल की ग्रोथ के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन्हें मिक्स कर लिया है और एक से दो मुट्ठी हम 12 इंच के गमले के हिसाब से इस पौधे में, देखिए इधर साइड साइड से हम इसमें डाल देंगे। और दोस्तों डालने के बाद जो मिट्टी हमने बाहर निकाल रखी थी उससे हम फिर से वापस से इसे कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम इसमें कर देंगे वाटरिंग, जिससे कि ये चूंकि बोन मील और जो वर्मी कंपोस्ट है स्लो डिकम्पोज होती हैं, तो जब हम वाटरिंग करेंगे तो इनकी जो रूट्स यहाँ आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रही हैं, इन रूट्स को तो डायरेक्ट मिल जाएंगी इनसे न्यूट्रिएंट्स, और बाकी जो धीरे धीरे पानी से घुल के इसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते रहेंगे और पौधे की रूट्स को मिलते रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके फूल खिलते रहेंगे और फूल की संख्या और बढ़ती रहेगी। जिन ब्रांचेस में अभी कली नहीं बनी है उन सब पे भी बनने लगेंगी। फिर दोस्तों इसके बाद जो हम बताएं कि पौधे में जो कोई इंसेक्ट्स आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आपको पहचाननी है कि बीमारी कैसी है। अभी चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो कुछ फंगस ज़रूर लग जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये फंगस है जिसकी वजह से इसके पत्ते खराब हो रहे हैं, ये देखिए इधर भी है। तो इससे बचने के लिए आप इस पर नीम ऑयल और कोई डिटर्जेंट का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इस पर राख का स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इन सबसे अलग अगर आप जाना चाहते हैं तो आप किसी फंगिसाइड पाउडर का लिक्विड बनाकर उसको इस पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते टाइम आपको जो खास चीज़ ध्यान देनी है कि स्प्रे करना है जब भी आपको, तो पौधे की पत्तियों की दोनों तरफ आपको स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर की सतह पे आपने स्प्रे कर दिया और नीचे नहीं किया। क्या होता है कि जो भी कीड़े होते हैं या फंगस होते हैं वो पौधे की पत्तियों के नीचे अक्सर बैठे होते हैं और नीचे से ही वो अटैक करते हैं। तो पूरे पौधे को कवर करना है आपको स्प्रे से, जिससे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो भी हो वो आपके पौधे पे रह ना जाए। और लास्ट में दोस्तों कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पौधे को फुल सनलाइट में रखना है, जिससे कि पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करे और जो भी फ्लावरिंग सीजन है इसका उसमें काफ़ी ढेर सारे फ्लावर्स खिलते रहें इस पौधे में। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।